Assalamualaikum friends, my name is Nursha. I am here to teach you. Today we learn about biology. आज हम biology का introduction लेंगे. आज हम first year level पर हम biology को सीखेंगे. Biology क्या है इसके बारे में हम काफ़ी बातें पढ़ेंगे बस इसके introduction में. इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है इसका introduction. बस ऐसा समझे कि आप अगर full concentration के साथ ये lecture देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी. बहुत ज़्यादा आसान और बहुत ज़्यादा मज़े का टॉपिक है. तो अगर इंट्रोडक्शन बायोलॉजी की हम बात करें तो बिल्कुल सिंपल 9th क्लास की तरह है, पर थोड़ी सी चेंजिंग है. जैसे लेवल बढ़ा है, फर्स्ट ईयर लेवल है FSC पार्ट 1 है, तो इसीलिए तो थोड़ा सा आपको इसमें ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेंगी. अगर इंट्रोडक्शन बायोलॉजी की बात करें तो अगर हम आप कहते हैं कि बायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ द लाइफ, आप कैसे कहते हैं कि बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ है, क्या चीज़ इसमें देखते हो जिसकी वजह से आप कहते हो स्टडी ऑफ लाइफ. तो अगर हम बात करें जो बायोलॉजी लफ्ज़ है, इसमें एक बायो और एक लॉजी, ये अलग अलग लफ्ज़ हैं. असल में जो बायोलॉजी लफ्ज़ है ना, ये ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है. कहाँ से? ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है. ग्रीक वर्ड यानी यूनानी, यानी ये यूनानी जबान का लफ्ज़ है. कौन सा? यूनानी जबान का लफ्ज़ है. अभी इसमें से जो बायो और लॉजी, ये अलग अलग वर्ड है. बायो वर्ड निकला है बायोस से, और लॉजी निकला है लफ्ज़ लोगोस से, बायोस लोगोस. ठीक है, तो अभी देखिए जो बायोस का मतलब जो निकलता है, बायोस का मतलब है लाइफ. क्या है? लाइफ. और लोगोस का मतलब है स्टेडी. क्या है? स्टेडी. लोगोस का मतलब है स्टेडी. तो इसीलिए हम कहते हैं कि स्टडी ऑफ द लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी. कितना सिंपल है. इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी में क्या है कि बायोलॉजी ग्रीक जबान का वर्ड है. जो बायो निकला है बायोस से और लॉजी निकला है लोगोस से. बायोस का मतलब लाइफ, लोगोस का मतलब स्टडी. तो इसलिए हम कहते हैं कि किसकी स्टडी करना? लाइफ की स्टडी करना. किसकी का स्टडी करना? लाइफ की. यानी स्टडी ऑफ द लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी. सिंपल इसकी डेफिनेशन थी. ये तो इसकी हमने डेफिनेशन पर बात कर दी. इसकी हमने ये कहा कि स्टडी ऑफ द लाइफ ये कैसे बना, जो इसकी सिंपल डेफिनेशन है. अगर हम थोड़ी इसकी अच्छी एक बहुत ज़्यादा परफेक्ट डेफिनेशन की बात करें, यानी आप एग्जाम में लिखेंगे और आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, तो वो भी आप ये लिखेंगे. मैं आपको लिखवाता हूँ. ठीक है, तो अभी हम बायोलॉजी की डेफिनेशन पर बात करते हैं. बायोलॉजी जुने इज द ब्रांच ऑफ द नेचुरल साइंस विच डील्स स्टडी, या साइंटिफिक स्टडी कर लेते हैं हम, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ. ठीक है, बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ द नेचुरल साइंस विच डील्स साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, या लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म भी अच्छा रहेगा. लाइफ लिख दें या लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहें, आपकी मर्जी है. ठीक है, अभी हम इस डेफिनेशन पर गौर करते हैं. बायोलॉजी क्या है? इज द ब्रांच ऑफ द नेचुरल साइंस. ये कुदरती साइंस की एक शाख है जिसमें हम लाइफ के बारे में, लाइफ का साइंसी मुतल्ला करते हैं. क्या? साइंटिफिक स्टडी, यानी साइंसी मुतल्ला. किसका? लाइफ का साइंसी मुतल्ला करते हैं, या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंस से मुतल्ला करते हैं, यानी इसकी स्टडी करते हैं, साइंटिफिक स्टडी करते हैं, या लाइफ की या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की. लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है? जितने भी तमाम जानदार इंसान हैं, तमाम जानदार बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, एनिमल्स, प्लांट्स, सारे क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स. और लाइफ का मैं अभी आपको समझाता हूँ लाइफ की हम डेफिनेशन कैसे बनाएंगे. तो पहले आपको इस डेफिनेशन में गौर करें, आपको समझ आ गया कि बायोलॉजी में हम क्या करते हैं. बायोलॉजी के अंदर हम साइंसी मुतल्ला करते हैं, यानी स्टडी करते हैं. किसकी? लिविंग ऑर्गेनिज्म और लाइफ की. ठीक है, चलो अभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम क्या स्टडी करते हैं.
हम जानदारों की क्या स्टडी करते हैं, क्या साइंटिफिक स्टडी करते हैं, हम देखते हैं कि कोई जानदार की बनावट किस तरह की है, कोई जानदार का स्ट्रक्चर कैसा है, यानी उसके एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है यानी उसकी बनावट कैसी है, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, कैसे कैसे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, कितनी चेंजिंग्स आ रही हैं, वो ग्रोथ कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है, ये सारे के सारे क्या चीज़ें लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है। और इन्हीं चीज़ों को हम स्टडी करते हैं किसके अंदर, बायोलॉजी के अंदर हम। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। चलो ये तो बहुत आसान थी डेफिनेशन, अभी हम बात करते हैं लाइफ की। लाइफ क्या है? लाइफ की साइंटिस्ट ने कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं बताई, साइंटिस्ट ने कहा कोई इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं बन सकती, लेकिन हाँ कुछ करैक्टर हैं, कुछ खसूसियात हैं जिसको मद्देनजर रखते हुए हम इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। अगर इसकी हम डेफिनेशन पर बात करें, लाइफ इट इज अ सेट ऑफ करैक्टर दैट डिस्टिंग्विश लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग। ठीक है, लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग, ये क्या है अभी? इट इज़ अ सेट ऑफ करैक्टर डैट डिस्टिंग्विश लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग। डिस्टिंग्विश कहते हैं अलग कर देना, अलहदा कर देना, क्या अलहदा कर देना, अलहदा करना। ठीक है, चलो अभी लाइफ क्या, लाइफ इट इज़ अ सेट ऑफ करैक्टर, लाइफ है खसूसियात का एक मजमूआ है जिसमें हम जानदारों को गैर जानदारों से अलहदा करते हैं, जानदारों को गैर जानदारों से अलहदा करते हैं कुछ करैक्टर को देख के, कुछ करैक्टर को देख के। ऐसे आपको नहीं समझ आएगी, मैं भी आपको समझाता हूँ ये लाइफ क्या है। लाइफ एक खसूसियात का ऐसा मजमूआ है जिसमें हम किसको देखते हैं, खसूसियात को देखते हैं, किसको देखते हैं, करैक्टर को, यानी जो लिविंग बॉडी हैं, जो जानदार उससे उनों के अंदर वो वाले करैक्टर पाए जाएंगे, लाइफ वाले करैक्टर, और जो नॉन लिविंग होंगे उसके अंदर लाइफ वाले करैक्टर नहीं पाए जाएंगे, वो खसूसियात होंगी जिसको हम देख के पहचान सकते हैं कि लाइफ है। तो ये क्या खसूसियात, अगर आप एग्जाम के अंदर आए तो आपने बस ये लाइन लिख देनी है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। तो वो कौन सी खसूसियात हैं कि जिसको हम लाइफ कहते हैं, यानी वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की खसूसियात है, वो है अगर कोई जानदार रिप्रोडक्शन कर रहा है, तमाम जानदार, तमाम लिविंग बॉडीज रिप्रोडक्शन करते हैं, जी भाई करते हैं, ग्रोथ करते हैं, ग्रोथ भी होती है, उसके बाद रेस्पिरेशन होती है यानी सांस लेने का अमल, उसके बाद जानदारों के अंदर ट्रांसपायरेशन होती है, पौधों के अंदर होती है, प्लांट्स के अंदर होती है, जो होती है, और काफ़ी प्रोसेस है, जितने भी जानदारों के अंदर प्रोसेस होते हैं वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, लाइफ के अंदर। उसी करैक्टर को, उसी खसूसियात को हम क्या कहते हैं, लाइफ। अभी पढ़ें लाइफ क्या है, इट इज़ अ सेट ऑफ करैक्टर, ये खसूसियात का ऐसा मजमूआ है डैट डिस्टिंग्विश, जो अलहदा करता है लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग, जो अलहदा करता है जानदारों को गैर जानदारों से कुछ खसूसियात को मद्देनजर रखते हुए। और यही खसूसियात ये हैं जो एक लाइफ के अंदर पाई जाती हैं, नॉन लिविंग के अंदर नहीं पाई जाती, ये लिविंग के अंदर पाई जाती हैं, और इसी खसूसियात को हम लाइफ कहते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि इंट्रोडक्शन जब आपको नहीं समझ आएगा तो आगे चीज़ें आपको नहीं समझ आने वाली। तो ये बहुत ज़्यादा आसान था, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो मैं आपको एक ही रेकमेंड करूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हुए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें, इससे ये होगा कि मेरी जितनी भी बायोलॉजी की, फिजिक्स की या केमिस्ट्री की लेटेस्ट वीडियोज़ फर्स्ट ईयर के मुतालिक, इंटर के मुतालिक आती रहेंगी, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह।